अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम चार हिस्सों में करेंगे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन आसान करने के लिए उनको सात हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है सीढ़ी अथवा भारत के उत्थान और पतन की कहानी, और सातवा है गीता और गीता के भगवान। आज 11 सितंबर 2020 आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है, यह बात यथार्थ रीति समझना है। ज्ञान, ज्ञान में पहले है परमात्मा, उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ, मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। बाप आते ही तब है जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचता, बाप को कहा जाता है रांझू रमजबाज। दूसरा है आत्मा। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पार्ट बचाना होता है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप है, बहुत कहते हैं मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम। तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद के बाप आत्माओं के पिता पारलौकिक, और एक ब्रह्मा है संगमयुग के वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता को कोई याद ही नहीं करते, वह हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, यह बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी है आदिदेव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदिदेव का चित्र है, यह बाप चैतन्य में बैठे हैं, वह चित्र रखे हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। चौथा है कल्पवृक्ष। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं, साक्षात्कार भी कराए थे, इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं, वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। पांचवा है सृष्टि चक्र। जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता, वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पार्ट बजा वह ड्रामा अनुसार। छठा है सीढ़ी अथवा भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तुम मालिक थे, पहले पहले सतयुग में आए, फिर पार्ट बजाते 84 जन्म भोगे, अब पिछाड़ी में आ गए हो। मैं आत्मा हूँ यह सब भूल गए हैं, कहते भी है पाप आत्मा पुण्य आत्मा महान आत्मा, वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते, कोई भी अपने को शिव कह न सके। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, अब तुम जानते हो, सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह लक्ष्मी नारायण बनने की, बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो, आस्तिक नास्तिक यह अक्षर इस समय के है, वहाँ यह अक्षर ही नहीं। मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा
वापस जा नहीं सकते। यह लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं थे, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं। अब हम फिर घर जाकर राम राज्य में आएंगे। फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं, पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। कहते भी है भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। रावण कौन है, कब दुश्मन बना है, जो हर वर्ष चलाते आते हैं। इस दुश्मन का किसको भी पता नहीं है। बाप समझाते हैं वह है ही रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अजुन वह जौहर नहीं है। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना, तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है, चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है क्योंकि बाप साथ है। सातवा है गीता और गीता के भगवान। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह बातें समझाई थी, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण यह बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। योग, बाप कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। धारणा पहला, बाबा बार बार डायरेक्शन देते हैं, पहले अपने को आत्मा समझो। दूसरा, यह स्मृति में आना चाहिए कि यह मंदिर आदि हमारे यादगार हैं। यह लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है। तीसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और बाबा को याद करते रहो। खिटखिट होंगी ही, सहन करना पड़ेगा। आजकल सब कहते हैं एक राज्य एक धर्म एक भाषा हो, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। तुम लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो तो ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड वन डीटी रिलीजन था। इन बातों पर अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ, सबसे फॉर्म भराओ। इकट्ठा समझाने से अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे, बड़ी युक्ति से समझाना है। वरदान, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन न हो, लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंस कर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो, इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन, करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है थारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।